नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट और मैं हूं साहिल मोटन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उधमपुर भाजपा के पूर्व विधायक दीनानाथ भगत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। विकलांगों ने राजभवन के बाहर दिया धरना। जम्मू में विभिन्न विभागों में भर्ती की गई मांग। नगरपालिका कार्यालय टाउन हॉल जम्मू में मेयर द्वारा की गई आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल जम्मू के MAM कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया। आरसपुरा में भी बड़े ही धूमधाम से गोपाष्टमी का त्योहार पूरी धूमधाम से मनाया गया। आज जम्मू में महंत रुमेल सिंह ने काल भैरव अष्टमी के बारे में बताते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जम्मू कश्मीर में पहली बार DDC चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में विभिन्न दलों के उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार भी तहसील मनकोट से इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में अब्दुल गनी ने पुंछ ब्लॉक में DDC चुनाव के उम्मीदवार का नामांकन पत्र भरा। चनैनी में पैंथर पार्टी के नेता रमेश कुमार ने भाजपा का दामन थामा। अशोक कोलकी जी अध्यक्षता में उन्होंने पैंथर पार्टी को खरीद फरोख्त की राजनीति से तंग आकर अपनी पार्टी को अलविदा कहा। आज बिश्नाह से जात उम्मीदवार फकीर चंद भगत ने भरा DDC चुनाव के लिए नामांकन पत्र।